Hey guys, welcome back to the channel. My name is Lokesh. I'm a 5th year medical student at Orenburg State Medical University. And अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए. एंड वी आर 7K नाउ. हम लोग 7000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं पूरे. और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो मेरे साथ इस जर्नी में बने रहे, जो मेरे साथ तो 1000 या 550 सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं आज तक. वो भी उनके भी कल मैसेजेस आए और बहुत अच्छा लगा कि इतने लंबे ड्यूरेशन से वो लोग मेरे साथ जुड़े हैं. और नाउ वी आर अ फैमिली ऑफ 7000 पीपल हु हैव सब्सक्राइब. उससे मतलब देखते अपने ज़्यादा लोग हैं, लेकिन जो सब्सक्राइब इन्होंने किया है उनको बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोग पता नहीं सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे. कुछ तो कमी है आप लोग के फ़ोन में. सो मैं MBBS रशिया में ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 5th ईयर में पढ़ता हूँ. और मैंने कुछ पिछले 2 हफ्तों से MBBS रशिया की बहुत सारी चीज़ों पर वीडियो बनाना शुरू किए हैं, जिसमें मैंने बहुत सारी मैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. तो आज 7000 सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में हम बना रहे हैं वीडियो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पे. तो इस पे बहुत ज़्यादा डिमांड थी बहुत सारे स्टूडेंट्स की कि भैया समारा बनाओ, क्योंकि रिसेंटली समारा बहुत एक फेमस बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गई वो यूनिवर्सिटी, ड्यू टू उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक मीडियम बजट होने के कारण. बाकी वहाँ की मेस और 6th लार्जेस्ट सिटी है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और मॉस्को से भी बहुत पास है, तो बहुत ही एक फेवरेबल डेस्टिनेशन हो गया है. तो इस वीडियो में बात करेंगे समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में. सो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक रीजन है, समारा एक सिटी है जहाँ पे लोकेटेड है, और एकदम रिवर जो वोल्गा रिवर है वहाँ पे बहुत सुंदर एक वोल्गा नदी है जो कि अभी पूरी फ्रीज हो चुकी है बिकॉज इट्स विंटर टाइम. लेकिन बहुत ही बड़ा वो रिवर है, बहुत ही बड़ा उसका बीच होता है और उसके बैंक्स के मतलब रिवर फिर रोड और फिर जस्ट लग के उसका एनाटॉमी डिपार्टमेंट है. तो बहुत ही तगड़ा एक यूनिवर्सिटी है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे, बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है, बहुत सुंदर सिटी भी है. समारा एक 6th लार्जेस्ट सिटी है रशिया की. समारा एक टाइम पे रशिया का कैपिटल भी हुआ करता था. सो समारा स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत एक पुरानी यूनिवर्सिटी है. इंडियंस ने रिसेंटली इट्स बीन फ्यू ईयर्स इंडियंस ने वहाँ पर जाना शुरू किया है, और इसके पहले रशियन बच्चे पढ़ते थे और बहुत सारे जो इजिप्शियंस हैं, नाइजेरियंस हैं, अरब के लोग हैं, वो पहले से समारा में जा रहे. इट्स अ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बेसिकली, तो वहाँ पर कई देशों के बच्चे वहाँ पर मेडिकल की शिक्षा लेने आते हैं. ठीक है, दे ऑफर वेरियस कोर्सेज, बहुत सारे कोर्स उनके पास में. ठीक है, फार्मा, BSc जो बहुत सारे हैं, बट विल बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट MBBS. तो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो ट्यूशन फी है वो है 3,30,000. ये सब मैं ऑफिशियल के हिसाब से बात करूँगा, कोई लोकल कंसल्टेंट आपको क्या बोलता है आई डोंट केयर, उसने क्या फी रखी है आई डोंट केयर. मेरे पास बहुत सारे लोकल कंसल्टेंट के फी स्ट्रक्चर जिन्होंने फी गलत लिखी है, जहाँ पे फर्स्ट ईयर में वो लोग 360,000 या 4,00,000 लिख देते हैं, उसके बाद सेकंड ईयर से सीधा 2,60,000 कर देते हैं, और फिर वो लोग आपको बोलेंगे कि भैया अब तो फी बढ़ गई, और आपको फिर आपको भी लगा रही यार अब तो फी बढ़ गई देना पड़ेगा. लेकिन आपने एडमिशन उसी फी स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप करते हो कि चलो यहाँ ओवरऑल एक्सपेंस कम आ रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे फी बढ़ा, तो वो एक स्कैम है. उसके बारे में तो मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आई जस्ट टॉक अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स. तो वहाँ के जो ऑफिशियल है, ठीक है, सो आई कॉन्टेक्टेड देम डायरेक्टली और मेरे पास उनका नंबर है, तो यदि कोई चाहता है उनसे बात करना, या इफ़ यू वॉन्ट टू कंसल्ट एनीथिंग, इफ यू वॉन्ट टॉक रिगार्डिंग एडमिशन टू देम, देन आप मुझे मैसेज कीजिए, आई शेयर यू द नंबर. ठीक है, या तो मैं लिंक दे दूंगा उनके वेबसाइट की, या तो आप मुझसे नंबर दे दीजिए एंड आप 1-to-1 से तो उनसे बात कर लीजिए कि क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या फैसिलिटीज है, एंड हाउ टू टेक एडमिशन एक्सेट्रा. उस चीज़ में अगर आपको मेरी मदद चाहिए, आई विल रेडी टू हेल्प, बिकॉज मैंने कल ही अपने व्हाट्सएप पर डाला है कि मैंने कभी सोचा था कि आई मतलब मैं किसी बच्चों के एडमिशन में हेल्प करूँगा. मतलब मेरे को इन सब में पढ़ना था, उतना समय भी नहीं है, लेकिन कल मैंने ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जब वीडियो डाली, तब उसके बाद में बच्चों ने मेरे को जो अपने रिव्यूज शेयर किए, जो अपने मेरे को किससे बताया है कि भैया एक बच्चे से 3.25 लाख कंसल्टेंसी फी लेके, कर्नाटका की एक कंसल्टेंसी है और डॉक्टर से उनका नाम शुरू होता है डॉक्टर डैश, सो 3.25 लाख उन्होंने कंसल्टेंसी फी चार्ज करी. ओरल स्टेट मेडिकल के जो कॉलेज फी है वो
253,000 है, लगभग 253,000 है। उस बच्चे से 3.5 लाख रुपये लिए गए और फर्स्ट टाइम वो बच्चा 11 लाख रुपये दे के आया। और उसको डिलक्स रूम हम देंगे, उसका वादा किया गया कि आपको डिलक्स रूम मिलेगा। उसके लिए उस बच्चे से अलग 1 लाख रुपये भरवाए गए, जो कि आई स्ट्रांगली कंडेम दिस, ये नॉनसेंस है, बकवास है। आई थिंक जो जो एजेंसीज झूठ बोल के पैसा एंट रही है, प्लीज़, ये मैं तो प्लीज़ पे हूँ, सी प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। और मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी कल लगाया कि 1.5 लाख के ऊपर कंसल्टेंसी फ़ी नहीं होनी चाहिए, जो प्रोसेसिंग जो भी आपका कंसल्टेंसी चार्ज होता है, ठीक है, वो आपका 1.5 लाख के ऊपर न जाना चाहिए। यदि आपको कोई 2 लाख मांग रहा है या 2.5 लाख मांग रहा है, गलत है, या तो उसको छोड़िए, या तो उसको समझाइए, बात कीजिए, या तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, आई विल हेल्प यू आउट। तो मुझे इन सब में भी पढ़ना पड़ रहा था। यदि किसी बच्चे को श्योरिटी नहीं है कि वो किन से एडमिशन लेना चाहिए, किन से क्या करना चाहिए, तो बिंदास मेरे को पूछे, इस साल मैं आपको टाइम दूंगा, मेरे को देना पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट वांट कि फिर से कोई बच्चा फैसे। क्योंकि मैं जब चैट्स पढ़ता हूँ ना, जब वो बच्चा बताता है कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है, और जब मैं पूछता हूँ कि तुम्हारे फादर क्या करते, तो बोलते हैं भैया हमारा तो एक छोटा सा शॉप है, लोन लेके मेरे पापा ने भेजा है, तो इतना ख़राब लगता है कि वो बच्चा सोच के आया था कि एक मीडियम बजट यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, 2.5 लाख वाली यूनिवर्सिटी है और रियल स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ चल जाऊँगा, पढ़ लूँगा, तो मेरा सब सस्ते में हो जाएगा। लेकिन वो बच्चा पहले साल 11 लाख में घुस जाता है। तो इन्फॉर्मेशन न होने के कारण, इन्फॉर्मेशन कमी होने के कारण, या गलत इन्फॉर्मेशन होने के कारण पेरेंट्स इन सब चीज़ों में फंसते हैं, बच्चे फंसते हैं। बट अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। हैशटैग स्टे सेफ फ्रॉम MBBS अब्रॉड फ्रॉड, ठीक है। समाला स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियली भी है, वो ट्यूशन फी की बात करो, 3,30,000 रूबल्स, ठीक है। आई एन मुझे हिसाब किताब लगाना, मैं रूबल में फी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ रूबल में फी पेमेंट होती है। 3,30,000 रूबल उसका ट्यूशन फी है, 35,000 उसका हॉस्टल का फी है, 12,000 रुपये उसका वीज़ा एक्सटेंशन और मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा है, तो टोटल 3,30,035 और 12, तो 3,77,000, तो 3,77,000 रूबल, 3,77,000 रूबल पर ईयर इज दी एक्चुअल कॉस्ट एवरी ईयर विच यू आर गोइंग टू पे एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर योर ट्यूशन फी, फॉर हॉस्टल, फॉर वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस। तीन चीज़ें होती है, ट्यूशन फी, हॉस्टल फी और वीज़ा एक्सटेंशन और मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा, जो आपको हर साल पे करना पड़ता है। तो 3,30,035 और 12, तो 3,30,035 और 12, तो 3,77,000 रुपीज़ पर ईयर इज़ द एग्जैक्ट कॉस्ट जो आपको एवरी ईयर उस यूनिवर्सिटी में रहने के लिए, पढ़ने के लिए आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद में वहाँ पे मैथ्स अवेलेबल है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट मैथ्स। बच्चों से मैंने बात की है, भले रोटी बनाना उतना उनको कठिन जाता होगा, सो कभी कभी रोटी अवेलेबल नहीं रहती, ठीक, समटाइम्स दे गिव यू रोटी, समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू गिव यू, तो लेकिन आपको हफ्ते में, मतलब मैं बोल रहा हूँ दो टाइम में एक बार बोल रहा हूँ, मतलब कभी कभी दोपहर को रोड रोटी नहीं दे पाते, लेकिन शाम को रोटी होती है, और हफ्ते में 4 बार दे गिव यू नॉन वेज, और वेज खाना अलग बनता है, नॉन वेज का अलग बनता है, तो जो लोग प्योर वेज जो फॉलो करते हैं उनके लिए भी कोई समस्या नहीं है। द देर आर डिफरेंट प्लेट का जिस पे खाना बनता है ना, वो अलग है, वेज का एक साइड है, नॉन वेज का एक साइड है, ठीक है, तो खाने की भी समस्या नहीं है। $1,200 पर ईयर में से, मतलब 1 लाख रुपये आपका साल का में से, और खाना अच्छा है, खाने में आपको कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, ठीक है। और उसके बाद आपसे दे चार्ज जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, जो कि वन टाइम चार्ज होता है, तो हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है वो $1,200 है। इसका इस साल का तो मेरे को अभी श्योर नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर उनके फीस स्ट्रक्चर में $1,200 वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, और इसको छोड़ के आपको एक कंसल्टेंसी फी भरनी पड़ती है, ठीक है। तो वो 3,77,000 रुपये 1 लाख मैथ्स का, ठीक है, जो ऑफिशियल से आप कराएंगे, तो जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो उनका एक जो प्रोसेसिंग फी आपको वो भरना पड़ेगा, और आपको फर्स्ट टाइम का एयर टिकट देना पड़ेगा, जो भी लगभग 30,000-35,000 या 40,000 के आसपास होगा, ठीक है, डिपेंड्स कि आप कब फ्लाई करते हो। और फर्स्ट टाइम का एयर टिकट इसलिए महंगा होता है क्योंकि आपका जब कॉलेज से इन्विटेशन आता है, तब उस इन्विटेशन के बेसिस पे आपका वीज़ा अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे आपका वीज़ा अप्लाई हो गया, तो आपका 1 से 1.5 हफ्ते में वीज़ा आता है, तो जैसे आपका वीज़ा आ गया, तो तुरंत दे ट्राई टू सेंड यू कि आपका टिकट हो जाए। तो इसलिए जब आप अनप्लान टिकट करते हैं तो टिकट थोड़ा महंगा होता है, लेकिन अगले साल से जब आप वापस घर आएंगे, तब आपका जब जो पूरा ट्रिप है वो प्लान होगा कि मैं इस तारीख को जाऊंगा, इस तारीख को वापस आऊंगा, तो चीज़ें आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो है। समारा स्टेट यूनिवर्सिटी में अभी लास्ट ईयर लगभग 200 स्टूडेंट्स गए सक्सेसफुली, ये सबसे बड़ा नंबर था जो आज तक वहाँ पे बच्चों का गया है, क्योंकि
जो बच्चे क्योंकि मैं जब समारा घूमने गया था, मैं समर वेकेशन में थर्ड ईयर में यहीं पे था, तो मैं समारा घूमने गया था दैट टाइम। फिर कोई एक नोन टू मेरे मुझे वहाँ अपने जो महाराष्ट्र के मिल गए, एंड देन आई आस्ट हिम कि कैन आई हैव अ लुक एट योर यूनिवर्सिटी ऑफिस। जब मैंने बात की तो दे अलाउड मी एज अ स्टूडेंट ऑफ ओरनबर्ग कि मैं उसकी वीडियोज़ बनाऊँ। फिर मैंने उसकी वीडियोज़ अपने चैनल पर डाले, आई कवर्ड एवरीथिंग। अगर आपको समारा स्टेट मेडिकल सिटी का हॉस्टल का कैंपस टूर, सभी कैंपस सभी हॉस्टल यदि देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में समारा स्टेट मेडिकल सिटी की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, जिसमें उसके पूरे हॉस्टल की लिंक्स हैं, सारे कैंपस की लिंक है, ईच एंड एवरीथिंग आपको उसमें मिल जाएगा। सारे बच्चों के रिव्यूज़ हैं, मैंने प्रॉपर उस पर एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। सो जब मैंने डाला तब बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों को पसंद आया, एंड दैट्स हाउ वी हेल्प देम टेक एडमिशन इन समारा। और बहुत सारे बच्चे खुश हैं, किसी की कोई कंप्लेन नहीं है। और आई डोंट थिंक कि समारा, और समारा की अभी रिसेंटली समारा का आई थिंक 27th या 28th of December को फ्रेशर्स हुआ था, जो कि उन्होंने रशिया जो समारा के सबसे बड़े क्लब में किया था। और समारा के जो वो क्लब था उसमें पहले उसमें इंडियंस को एंट्री नहीं थी, बट वो जो वहाँ के ऑफिशियल है उन्होंने डायरेक्ट पूरा क्लब ही बुक कर दिया, और नो रशियन फिर मतलब बाहर के रशियन, मतलब कॉलेज के तो जो डीन विन ने बोला थे। तो बहुत बड़ा फ्रेशर्स हुआ था, इतना बड़ा फ्रेशर्स मैंने किसी यूनिवर्सिटी का नहीं देखा। मतलब उन्होंने पूरा पब में फ्रेशर्स किया था, तो जो कि और तुम लोग बोले कि भैया ये क्यों बता रहे हो फ्रेशर्स हुए, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आप जब यहाँ आते हो तो जब फ्रेशर्स होती है, इस तरह के फंक्शन होते हैं, तो आपका मन लगता है, आपको सीधे जाके सीधा पढ़ाई में कोई झोंक देगा, सीधा पढ़ाई करो, दैट्स आर नॉट दैट 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 डजंट वर्क। तो आपको फ्रेशर्स होता है, आप अपने दोस्तों से मिलते हो, यू मेक न्यू फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये फंक्शंस होने चाहिए। और यदि आपको फुल फंक्शंस करने हैं, रिसर्च करनी है, जो टेक्नो फेस्ट होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, तो समारा इज़ कम्प्लीटली इंटरनेशनल। वो पूरा फेस्ट कराएगा, टेक्नो फेस्ट। आप यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे अलग अलग कंट्रीज में जाएंगे, अलग सिटी में जाएंगे, विल गेट अ चांस टू रिप्रेजेंट टू यूनिवर्सिटी। और बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत है, यदि आप जो बेसिक अपना पढ़ाई उसको छोड़ के बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो समारा में देर आर हेल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत ही डेंजर अपॉर्चुनिटीज हैं। बाकी बहुत सारे मेरे नोन टू है, मतलब पुणे के हैं, यूपी, बिहार, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ईच एंड एवरी, मतलब उत्तराखंड से भी बच्चे हैं, आसाम से भी बच्चे हैं, जम्मू से बच्चे हैं, कश्मीर से बच्चे हैं, ऑल ओवर द इंडिया से वहाँ बच्चे आए हुए, झारखंड, उड़ीसा, जो भी ये स्टेट्स हैं जो सेंटर में फॉल करते हैं, एमपी, एमपी के तो ह्यूमंगस, एमपी के भी बहुत बच्चे हैं, और महाराष्ट्र के बहुत बच्चे, नागपुर के बच्चे, सातारा, हिंगोली, परभणी, नांदेड़, बीड, बीड से एक बच्ची अभी जस्ट उनका उनके फादर ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, तो दे वर वेरी टेंस्ड कि उनका कहीं एडमिशन नहीं हुआ है और बहुत लेट हो गया था, तो समारोह में 5 सीट्स खाली थी, सो वी हेल्प देम। और फिर अभी नाउ उनकी जो डॉटर है वो समारा स्टेट मेडिसिन में पढ़ रही है। तो मुझे इसलिए इनमें स्टेप करना पड़ता, क्योंकि उनको जो एजेंट फंसा के रख रहा था, तो उनका सेनारो ये था कि उनको बोला गया था कि आपका एडमिशन हो गया है लेकिन 2024 में हुआ है, तो अभी से 2024 का एडमिशन, मतलब वो बस उनको उनका जो सीट है वो बुक करा रहे थे कि ये कहीं जाए ना, तो एडमिशन उनको चाहिए था औरंगबाग में, तो औरंगबाग की जो सीट्स थी वो फुल हो चुकी थी। ठीक है, और मक्का सीट फुल हो चुका था, तो उसको कि उनको किसी लोकल काउंसिल ने बोला कि आपका मैंने कर दिया है और 2024 में फ्लाई करना है। अगर 2024 में फ्लाई करना है जून में या सेप्टेम्बर में, मतलब उन्हें आपका 2024 सेशन में एडमिशन किया है, आपका 1 साल वाया, मतलब जो वेस्ट हुआ है। तो उनके पेरेंट्स मैंने समझाया कि ऐसा फ्रॉड हो रहा है, तो देन वी प्रोसीडेड फर्दर, और फिर 2 हफ्ते में उनका सारा प्रोसेस करा के दे फ्लू। सो ओवरऑल इट्स अ बजट यूनिवर्सिटी, अगर आप देखेंगे तो लगभग उसका 3.7 लाख, मैंने बोला कि पर ईयर फी है, तो 3.7 रुपये इंटू आप 6 करेंगे तो 3 6 18, 7 6 42, तो लगभग 22 लाख के आसपास उसका रफली उसका कॉलेज फी, हॉस्टल फी, वीज़ा, मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा बनता है 22 लाख। उसके बाद आपके पास, अगर आपका 30 लाख बजट है, तो उसके पास आपको 8 लाख बचते हैं। यदि आप हर साल का 1 लाख रुपये आपका पर्सनल एक्सपेंस होता है, तो 6 ईयर्स का 6 लाख, और फिर ऊपर के जो 2 3 लाख है आपका इंडिया आना जाना। तो अंडर 30 लाख अगर आप देख रहे हो, तो समारा यूनिवर्सिटी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस फॉर यू, 100% आई डोंट डाउट दिस। और पढ़ाई का उतना सीरियस माहौल बनने का है, बट एज सून एज कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ जाएंगे,
उतना ज़्यादा वो पढ़ाई में इन्वॉल्व होंगे। अभी भी उनका फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो इतने ज़्यादा बच्चे फिलहाल है नहीं। इट्स नॉट एन ओवर क्राउडेड यूनिवर्सिटी। टोटल समारा में अभी हार्डली अराउंड इंडियन स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 400 to 500 इंडियन स्टूडेंट्स होंगे, तो बहुत सही चल रहा है, ओवर क्राउडेड नहीं है। यदि आप प्लान कर रहे हो तो सही कर रहे हो, और भीड़ भाड़ नहीं है ना तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। और समारा स्टेट में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक रूम में या तो दो या तो तीन, ठीक है, डिपेंड्स रूम कैसा है। तीन के ऊपर दे डोंट कीप, तो ऐसा बेड और एक ऐसा बेड, तो तीन लोग एक रूम में रहते हैं। और बहुत आसपास हॉस्टल्स है, हॉस्टल नंबर 2 में सारे इंडियंस रहते हैं मोस्टली, फिर 3 है, 4 है, 5 है, और उसके पास में ही बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं। जो आपका फिजियोलॉजी या बायोकेम डिपार्टमेंट है वो हॉस्टल नंबर 2 के पास में ही है, तो आई केम बायोकेम, आपका बायोकेम आई गेस वो डीन पढ़ाते हैं वहाँ के, तो बाकी मैं जस्ट भूल गया, हाँ बाकी सारा इन कैंपस से ज़्यादा दूर दिन नहीं है। आपको 3 to 4 किलोमीटर के रेडियस में आपका सारा सारे डिपार्टमेंट और हॉस्टल आपको मिल जाएंगे। आपको बहुत दूर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, और ट्रैवल भी वहाँ बहुत ईजी है, सबवे है, अंडरग्राउंड मेट्रो वगैरह है, और बसेस है, ट्राम्स है, ट्राम्स मतलब जो नहीं रास्ते के बीच में से जो रेलगाड़ी चलती है ट्राम्स, तो वो 17 रुपीज़ का फेयर होता है। तो बच्चे स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट कार्ड बनाते हैं, एक बार टैप किया तो 17 रुपये में लोग कहीं भी जा सकते हैं, तो एक टाइम का 17 रुपये लगता है, तो विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। हॉस्टल के पास में ही ट्राम स्टेशन है, आप वहाँ से सीधा जा सकते हैं, बट इट टेक्स थोड़ा लॉन्गर टाइम, मतलब 30 मिनट्स लगेगा क्योंकि पूरा सिटी घूम के जाता है। यदि आपको टैक्सी भी करनी है तो टैक्सी इट्स हार्डली 150-200 रुपये टैक्सी हो जाएगी, क्योंकि सारा पास पास में है। तो इन कैंपस चीज़ें ये होने का फायदा होता है, अगर आपका सारा आस पास है ना, आपका ट्रैवलिंग का कॉस्ट बहुत कट डाउन होता है। और मैंने बोला कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत महंगा है, सारा सामान वहाँ पे बेसिक ही है, आलू प्याज जो भी रेट है इट्स वेरी गुड। बाकी जो लोग भी है रशियंस हैं और बहुत अच्छे हैं, और टूरिस्ट लोग को वो लोग उनका पेट ही उससे चलता है जो सारे टैक्सी ड्राइवर टूरिस्ट लोग से, तो दे आर वेरी वार्म एंड वेलकमिंग टू इंडियन स्टूडेंट्स एंड जो भी अब्रॉड से वहाँ पढ़ने जाएगा। तो दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो समारा स्टेट यूनिवर्सिटी। बाकी आई डोंट थिंक मैंने कोई चीज़ें छोड़ी है। ये तो मेरा प्रेडिक्शन है और मैं 100% सही बोल रहा हूँ, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस साल सीट पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मगजमारी होगी। मतलब वहाँ पे आई गेस की 200 से 250 सीट्स है, आई डोंट अभी इस साल पता नहीं बढ़ाते हैं नहीं, लेकिन लास्ट ईयर दे हैड 200 सीट्स और डी ने मना कर दिया इसके ऊपर नहीं, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही थी, लास्ट ईयर इतना हो गया था, लेकिन इस साल 200 से 250 के बीच में एडमिशन होंगे, लेकिन अप्लीकेशन कम से कम 1000 आएगी। अभी बोल रहा हूँ समारा स्टेट यूनिवर्सिटी में 200 से 250 सीट से 600 to 700 स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, और सबकी इच्छा है समारा की। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको पहले कंफर्म एडमिशन हो तो बेटर है कि आप या तो कुछ आपका रजिस्टर करा ले, या तो आपको अगर आप नीट क्वालिफाइड है, ठीक है, और आपको पता है कि मैं लास्ट ईयर नीट क्वालिफाई हुआ था, इस साल भी हो जाऊंगा और मेरे को वही एडमिशन लेना है, तो प्लीज़ जल्द से जल्द संपर्क करें, जिसको भी आपको करना है या तो मुझे करिए या तो जो आपका नोट होगा जो 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 होगा, ठीक है, आपको जो आपको आपके समझ में बेहतर होगा उनसे करिए। आप अपने आप को समारा के लिए रजिस्टर करा लें, इस साल बहुत मारामारी होगी समारा में एडमिशन लेने के लिए, ये मेरा 100% प्रेडिक्शन है। हर बच्चा समारा स्टेट पे जाना चाहेगा क्योंकि क्योंकि अंडर 30 लाख ऑल एक्सपेंस, खाना पीना ट्रैवल तुम्हारा फ्लाइट ट्यूशन फी हॉस्टल फी एवरीथिंग वो अंडर 28-29 लाख में हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ही जंग छिड़ेगी। तो यदि आप चाहते हैं तो आप अपने आप को रजिस्टर करा के रख लिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वही एडमिशन, मतलब अगर आपका श्योर शॉट है कि आपको वहाँ लेना है और आप नीट भी क्वालिफाई है और आपको अब्रॉड में ही लेना है, कोई आपको सोचने का काम नहीं है, तो आप अपने को बेसिक आपका एक रजिस्ट्रेशन करा के रख ले जो आपके लिए फ़ायदा आपको आगे देगा। आप बोलेंगे कि मैं नीट के बाद 2-3 महीने बाद सारा समझ समझ के करूँगा, हो सकता है कि समारा शेयर प्रमोशन में शायद तब तक सीट ना बने। और सभी को मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि कोई बच्चा सोच ही चुका है कि उसको अब्रॉड जाना है या उसको हो सकता है कि वो अब्रॉड जा भी सकता है, एटलीस्ट आप पासपोर्ट के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर ले। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप नीट के लिए पढ़ो कोई मतलब नहीं, ठीक है, कोई पढ़ो मतलब नहीं, मतलब कोई कोई टेंशन नहीं, नीट के लिए पढ़ो आप इंडिया में दो, इंडिया में लगता है आपका अच्छी बात है, लेकिन एक आप प्लीज़ अपना पासपोर्ट अप्लाई कर दो। पासपोर्ट कैंसिल होने या पासपोर्ट लेने लेट आने के कारण
बच्चों के अप्लाई अप्लाई एडमिशन नहीं हुए। यूनिवर्सिटी कभी भी प्रेफरेंस उसको देती है जिसके पास पासपोर्ट होता है। यदि कोई आपका पासपोर्ट के साथ एप्लीकेशन आया है तो वो एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, राधर देन आपका आधार कार्ड या कोई आइडेंटिटी प्रूफ। तो सभी बच्चे प्लीज़ प्लीज़ अपना पासपोर्ट लिए अप्लाई कर लें। भाई कोई भी समस्या हो, कोई भी दुविधा हो, ज़रूर पूछिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपको कॉन्टैक्ट का नंबर चाहिए, या आपको कैसे एडमिट करना है, किन से करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कुछ पूछना है, या आपको आपके पास ऑलरेडी कोई फीस स्ट्रक्चर है वो सही है कि गलत है, या किसी और एजेंसी ने आपको समारा का फीस स्ट्रक्चर दिया है, आपको क्रॉस चेक कराना। क्योंकि लास्ट ईयर मेरे पास समारा के 3 से 4 फ्रॉड फीस स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं जिसमें गलत फीस स्ट्रक्चर लिखा है। तो मैं दिखाऊंगा किसी दिन, तो होगा मन किसी दिन दिखाऊंगा, ठीक है। सो मेरे पास एग्जाम्पल भी है बच्चों के कि जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, उसका बच्चा है खुद वहाँ पे, वो पटाई लड़का नगर का है, अहमद नगर का है, हाँ नगर का लड़का है जिसके साथ ये हुआ था। उसका 32,000 रुपये डूब गया। उसके बाद जब उसने मेरे को कॉन्टेक्ट किया तो मैंने बताया कि फीस स्ट्रक्चर गलत है। देन वी प्रूव्ड, हमने यूनिवर्सिटी को फीस स्ट्रक्चर मेल किया तो यूनिवर्सिटी ने बोला कि दिस इज द रॉन्ग फीस स्ट्रक्चर, एंड फिर उसका 32,000 रुपये तो डूब गया। दे डिडंट रिटर्न हिम। तो और फिर मैंने उसका फिर इस साइड से आई हेल्प हिम प्रोसेस। तो अभी वो खुश है, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। सो बस यही बताना था। बाकी आपकी इच्छा, आप समझदार है, और स्टे सेफ, और #StaySafe फ्रॉम MBOs अब्रॉड फ्रॉड बहुत ही रोज सोच समझ के रिसर्च करिए। मुझसे पूछिए, किसी और से पूछिए, आपको जानने वाले से पूछिए, आपको जो भी लगता है कि जो आपको सही जानकारी दे सकता है उसे संपर्क कीजिए। और बाकी सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में।